आगे की ओर बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ उनको। मेरा ये मानना है कि प्रकृति और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। जो सहनशीलता प्रकृति में होती है, धरा में होती है, वही जो है वो नारी में भी होती है। और ऐसी ही एक धैर्यवान, बहुत ही कमाल की शख्सियत, बहुत विनम्र, बहुत सहज, बहुत सरल, लेकिन बहुत मेहनत करने वाली जुझारू व्यक्तित्व आदरणीय श्रीमती दीक्षा भंडारी जी, जो कि निदेशक हैं सामाजिक वानिकी गाजियाबाद, उन्हें मैं इन पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ मेरा स्वागत किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मुझे बुलाने का जो मेन इनविटेशन मुझे पहुँचा वो डॉक्टर जितेंद्र नागर द्वारा पहुँचा, तो उनका धन्यवाद। और मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो यहाँ पे उपस्थित है उनका परिचय मुझसे नहीं है, मैं पहली बार मिल रही हूँ, तो किसी का नाम लूँ और किसी का नाम ना लूँ तो ये मतलब गलत हो जाएगा। तो मंच पे जितने भी बैठे हुए विद्वान स्पीकर्स हैं उन सबका अभिनंदन, धन्यवाद। और जितने विद्वान श्रोता मेरे सामने बैठे हैं उन सबके पेशेंस का और इतने अच्छे तरीके से हर स्पीकर को सुनने का, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत आपको धन्यवाद हो। मदन पांचाल जी यहाँ पे हैं, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया कि मैडम आप आइएगा ज़रूर, तो इनका भी मतलब धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी गैदरिंग जो है जहाँ पे लोग अपने विचारों को इतने इंडिपेंडेंट और फ्री तरीके से रख पा रहे हैं, वहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़्यादा थैंक्स गिविंग टाइप की स्पीच हो गई, बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी हैं जिनके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की 2013 बैच की अधिकारी हूं, जो नहीं जानते उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। और मैं डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उस पर 2018 से हूं उस पद पर और कार्यरत हूं। कोशिश बहुत की क्योंकि मेरे लिए भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस था NCR रीजन के किसी डिस्ट्रिक्ट में DFO होने का। इससे पहले मैं रही हूँ बट पूर्वांचल में रही, मेन लखनऊ में रही। बहुत लंबा तो नहीं बोलेंगे एक्सपीरियंस, बट ये है कि जितना पढ़ा, जितना समझा, जितना ट्रेन हुए और जितना देखा, उन्हीं से अभी तक का जितना मेरा करियर है उस पे कार्य कर रही हूँ। मेन जो भारतीय वन सेवा में आने का मेरा जो उद्देश्य था वो वही है जो आप सब लोगों के मन में चीज़ें चिंता के रूप में आती हैं या जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते तो हैं पर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यही कुछ कारण थे कि मैं भारतीय वन सेवा में आई इसमें, और ये बोले कि दुआएं थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था कि इस सेवा से जुड़ सकी और आप लोगों के लिए सेवारत हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलती कि हम किसी भी संगठन या सरकार के लिए सेवारत हैं, हम पब्लिक के लिए सेवारत हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। बट उसमें जो चीज़ें जो हिंडन मंथन के उसमें मैंने सुनी यहाँ पे बैठ करके मंच में और बहुत सारे स्पीकर्स को सुना, तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा गैप है कम्युनिकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन, मैं फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगी, हमारे बीच में और आपके बीच में। आप लोग आते, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं पहचानती हूँ, जिनसे पारस्परिक संवाद रहता है, राज जी हो गई, संजय कश्यप जी हो गए, तो इन लोगों से जब संवाद होता है तो मेन कंसर्न रहता है कि मैडम ये तो हो रहा है पर हम क्या, हम प्रयासरत भी हैं पर क्या करें, लोग समझ नहीं रहे हैं। मुझे ये लगता है कि दिल्ली NCR में, गाज़ियाबाद जैसे शहर में इतनी अवेयरनेस है हर एक्ट की, हर रूल की, कि मुझे किसी को समझाने की ही ज़रूरत नहीं है कि ये एक्ट क्या कहता है और ये रूल क्या कहता है। दिन भर में जितना जन सुनवाई एक पोर्टल है, जितनी शिकायतें उस पर मेरे पास आती होंगी, वही अभी मैं मेयर मैडम से बात कर रही थी, मैम बोलती हैं कि नगर निगम से की बहुत सारी परमिशनें ट्री कटिंग की आपके पास पेंडेंसी में है, तो मैं मैम से वही बता रही थी, मैंने कहा मैम दिन भर में अगर आप देखेंगी तो एक पोथा हमारे पास जमा हो जाता है ट्री कटिंग की परमिशन के लिए,
और ट्री कटिंग ही नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि लोग तो अगर झांकना भी हो पेड़ को उसके लिए भी परमिशन लेने के लिए आते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल रूल है। क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी या किसी भी कार्यालय में अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक का शिकायतों का अंबार लग जाएगा तो एक्चुअल काम जो हमारा है हम वो नहीं कर पाते हैं। तो मेन जो अवेयरनेस है उसको प्रोएक्टिवली यूज़ किया जाए। मैं इसके अभी सोच रही थी तो मुझे एक ख्याल आया, मैं ऐसे राज्यों को बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड जहाँ पे लोगों ने आंदोलन कर दिए पेड़ों को बचाने के लिए, वहाँ पे इतने अच्छे काम हुए नदियों के संरक्षण के लिए। वाटरशेड बोलते हैं जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, हम अभी बात कर रहे थे हिंडन की कि हिंडन सहारनपुर से स्टार्ट होती है, तो वाटरशेड जो होता है अगर वाटरशेड के इनिशियल स्टेज को, कहने का मतलब उसमें वाटरशेड में मैन जो होता है या ह्यूमन बीइंग होता है वो भी एक कॉम्पोनेंट है। सॉइल मॉइस्चर कॉन्जर्वेशन हो गया, आपके बहुत सारे कॉम्पोनेंट उसमें जुड़ जाते हैं, फार्मिंग हो गया, आपके कुछ एग्रो प्लांटेशन के कुछ मॉडल्स हो गए, ये सब कुछ एक वाटरशेड बनाता है इन टोटो। तो मेरा कहने का सिर्फ एक अभिप्राय है वहाँ का एग्जाम्पल देने के पीछे कि वहाँ के लोग आगे आए, वहाँ का समाज आगे आया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि आने वाले टाइम पे जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें हम क्यों बोल रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, हम इसलिए बोल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी क्यों आई, कि वो अपने आप में वो सिस्टम चलता रहे, और वो सिस्टम तभी चलेगा जब हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ बचा करके रखेंगे, तभी तो वो सस्टेनेबल सिस्टम होगा, अन्यथा क्या होगा वो एक जगह पे आकर के ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रेजरी ऑफ द कॉमन्स। ट्रेजरी ऑफ द कॉमन्स ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज में होता है। इसमें क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज किसी की अपनी धरो अपना संपत्ति नहीं है, इट इज़ नॉट डेडिकेटेड टू वन पर्सन। तो क्या होता है हम ये कोशिश करते हैं कि अरे मेरा पड़ोसी ले रहा है तो मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा लेना है। उस ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स में ये होता है कि आदमी इतना ज़्यादा उसका विदोहन कर लेता है उस नेचुरल रिसोर्स का, सिर्फ ये सोच करके कि सामने वाला ज़्यादा ना ले ले, कि वो रिसोर्स ही खत्म हो जाता है। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यही कॉन्सेप्ट है। तो यही कोशिश होनी चाहिए, दूसरे को रोकना बहुत अच्छी बात है कि हाँ आप ये काम मत करिए, पर पहले उसको अवेयर तो करिए। हम किसी को बंदी बना करके जेल में डाल करके ये नहीं बोल सकते कि आप एनवायरनमेंट बचाइए, बल्कि हम उसको अवेयर करके हमें उसको ये समझाना पड़ेगा। जो मेरा काम है मैं वो बता रही हूँ आपको, जैसे कई लोग आते हैं मैडम उसको पकड़ लीजिए जेल में डाल दीजिए FIR करवा दीजिए, अरे ये इस तरीके से आप अपने ही भाई बहन ही हुए वो या अपने नेबर के लिए आप इस तरीके के भाव रखते हैं, वाई डोंट, मतलब मुझे ये लगता है कि हम क्यों उनको अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या है कि उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो पा रहा। और हमारी सोच हम दूसरे पे थोप नहीं सकते, हम उसकी सोच बदल सकते हैं पर थोप नहीं सकते कि नहीं आपको तो ऐसे ही करना है, आपने कैसे बोल दिया कि आप पेड़ कटना चाहिए, मुझे तो नहीं कटवाना है। एक चीज़ आपको और चीज़ बताना चाहूँगी जो उत्तराखंड में हुई, जब हम पेड़ काटने की परमिशन नहीं देते हैं तो लोग पेड़ लगाना भी नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है जब परमिशन ही नहीं मिलेगी मुझे कल के दिन यहाँ पर घर बनाना पड़ेगा और ये परमिशन ही नहीं दे रहे हैं तो हम लगाएं क्यों, जो है उसको ठीक है परमिशन नहीं मिली रखे रखेंगे देखते रहेंगे या उसमें कुछ ऐसी चीज़ डालने की कोशिश करेंगे जिससे वो मर जाए, वो गिर जाए, फिर वो आगे से कभी नहीं लगाएंगे उसको। ये बातें इसलिए भी बतानी ज़रूरी थी कि मैं चाहती थी कि उस चीज़ को आप समझ सकें कि एक प्रशासनिक पद पे बैठने पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम हर दिन देखते हैं सुनते हैं, उनको धारण भी कर रहे हैं सल्यूशन भी दे रहे हैं। और ये बात तो आप सब भी जानते हैं कि पद के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोशिश बहुत करी गई, कुछ कोशिशें शायद आपने देखी हों कुछ कोशिशें ना देखी हों, आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, कुछ चीज़ें किसी और प्रस्पेक्टिव में आपके सामने आती हैं जो जैसी हैं वैसी ना हो, या फिर कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने आती है। ये सिटी फॉरेस्ट आपको दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आज 3 साल के अपने यहाँ के कार्यकाल में मैं पहली बार सिटी फॉरेस्ट आई हूँ, परंतु इसके लिए जो काम हुए हैं आप बिल्कुल मान नहीं सकेंगे, मतलब आपको विश्वास ही नहीं आएगा कि यहाँ नहीं आने के बावजूद भी यहाँ पे जल निगम 3 रेनीवेल बनाने वाला था। 2019 की ये बात है, जल निगम ने बोला कि हमको 3 रेनीवेल बनाने हैं और उसमें कम से कम 328 पेड़ कटेंगे। मैंने परमिशन नहीं दी क्योंकि मुझे उनसे सबसे पहले ये जानना था कि रेनीवेल का क्या उपयोग है। वो बोलते थे कि हम शुद्ध पानी लोगों को, पेयजल योजना है, अमृत योजना है, हमें शुद्ध पानी लोगों तक पहुंचाना है। तो शुद्ध पानी वो बोलते थे कि नदी के किनारे से ही हम निकाल सकते हैं और जगह से हम नहीं निकाल सकते, वाटर टेबल बहुत नीचे जा रखा है।
तो मैंने उनसे ये बोला कि आप ये बताइए, पहले तो हिंडन की स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर आप यहाँ से इसका ग्राउंड वाटर गाज़ियाबाद के बारे में कुछ ना तो छुपाने का है ना उजागर करने का है, आप सब जानते हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल प्रदूषण के किस स्तर पर है, अगर नहीं जानते हैं तो आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। बट जब ऐसी स्थिति आ गई कि नहीं हम तो यहीं से निकालेंगे, तो पहले ये बात उठी कि आप ये बताइए कि 328 ही पेड़ आपको काटना ज़रूरी है कि उससे कम हो सकता है। वो प्रोजेक्ट खींचते खींचते, क्योंकि मैं ये चीज़ मैं इसलिए आपके संग शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों का काम सिर्फ पब्लिक डीलिंग में ही परेशान होने का नहीं है। इनफैक्ट अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी ये मानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर काम को रोक देता है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता, और इसका आरोप तक लगता है कि आप भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। अगर हम किसी का कोई प्रोजेक्ट गो थ्रू नहीं करते हैं तो उनको ये लगता है कि भ्रष्टाचार है, बल्कि मैं ये कोशिश करनी, मतलब ये मेरी कोशिश रहती है कि हर एस्पेक्ट जो हो वो बिल्कुल क्लियर हो, जनता को भी बताओ। कल के दिन अगर कोई आरटीआई के अंतर्गत ये माने कि आपने ये प्रोजेक्ट को गो थ्रू दिया था, आप बताइए आपने इन 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 बिंदुओं पर क्या रिपोर्ट ली थी, कि आपने एक ही दिन में फाइल साइन कर दी और बस ये सोच लिया कि ठीक है जो होता है सो हो। तो कुछ चीज़ें, मतलब ये मेरे जॉब के एस्पेक्ट्स है जो मैंने आपके संग शेयर किया, और सिटी फॉरेस्ट में आज भी वो 328 पेड़ आई सपोज कि नहीं कटे जस्ट बिकॉज, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट रुक गया और वो लोग उस प्रोजेक्ट को कहीं और लेके गए। जल निगम के अधिकारियों ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कोसा भी, और कई बार मिलते भी हैं तो जैसे रामारामी होती है तो बोलते हैं मैडम आपने प्रोजेक्ट नहीं होने दिया हमारा। पर अब मैं क्या बताऊं, आपको तो खुशी हो रही क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो जागृत हैं, आप सोचते हैं कि नहीं कुछ चीज़ें बची रहनी चाहिए और हमारे आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। अब बात आती है हिंडन की। पानी का स्वभाव होता है, जैसे अभी हमारी जो संचालिका थी उन्होंने बताया कि बहने नारी शक्ति के बारे में बोल रही थी कि चलती है साथ साथ चीज़ों को लेकर चलती, वैसे ही पानी का स्वभाव बहता रहता है। अगर हमारी हिंडन आज या नदियां आज प्रदूषित हो रखी हैं तो आप ये समझिए मेन जो नदी है वो उसका बहाव ही उसकी गंदगी आधा से ज़्यादा साफ़ कर देता है। पर पटान हो जाना, बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शंस हो जाने, इंक्रोचमेंट्स हो जाना, और अपने जिन्हें बोलते हैं कि हम अपने स्वार्थ के कारण जो चीज़ें कर रहे हैं उन चीज़ों से, जैसे कि बताया गया इंडस्ट्रीज़ का गंदा पानी वहाँ पर आ जाता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन नहीं रहती है तो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होते, पानी मर जाता है। पर अभी हमारी हिंडन मरी नहीं है, वो रोगग्रस्त है, वो डिजीज्ड है। तो हमको डिजीज नदी को, या जैसे हम किसी रोगग्रस्त आदमी की सेवा करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हिंडन की अगर हम सेवा करेंगे तो एक दिन वो फिर से उसी तरीके से कल उसका पानी, निर्मल पानी आपको दिखने लगेगा जैसे कि गंगा का दिखता है, जैसे कि अन्य नदियों का दिखता है। हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को सबको पता होगा ये बात, जाकर के लास्ट में यमुना में ही मिलती है। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, अगर ये अपने आप में साफ़ होंगी तो नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ हैं वो भी साफ़ होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम एक्स्ट्रा पानी उसमें डालते हैं, साफ़ पानी आता है गंदे पानी में, तो उसका BOD COD लेवल जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है और पानी की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो पानी में बन जाती है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि क्योंकि मेरे पास हापुड़ का एडिशनल चार्ज है, तो दोनों ही ज़िलों में मैं जिला पर्यावरण समिति की कन्वीनर हूँ। मेन काम उसमें यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रहता है और अन्य विभागों का, नगर निगम, GDA, बहुत सारे विभाग हैं। हर महीने हम मीटिंग्स भी करवाते हैं और बिल्कुल निर्धारित समय पर करवाते हैं। उसमें दो NGOs भी रहती हैं उस समिति में, बट मैंने NGOs का बहुत ज़्यादा उसमें रोल देखा नहीं, वो आते ही नहीं है मीटिंग में जबकि हम उनको बुलाते हैं। कम से कम आकर के अपनी बात तो रखें, बताएं तो सही। अब बताएंगे तो अलग से फ़ोन करके बताएंगे मैडम ऐसा हो रहा है, कुछ तथ्य तो रखें ताकि हम समिति के सामने रख सकें। हमारे यहाँ पे जितने अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, अन्यथा जिस तरीके की यहाँ पर सिचुएशंस हो सकती हैं वो सिचुएशंस मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी जब सहयोग उस तरीके का नहीं मिल पाता है तो बहुत सारी योजनाएं जहां पे स्टार्ट होती हैं वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। ये हापुड़ की बात इसलिए आई क्योंकि वहां पे जिला गंगा समिति होती है। गंगा का, जैसे आप जान रहे हैं, नमामि गंगे के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की जो हम बात करते हैं, वहाँ पर गंगा के किनारे, क्योंकि बहुत खादर का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा आपको स्टेबल लैंड नहीं मिलेगी तो कटान बहुत होता है, और
जुड़े होने के कारण, वहाँ का सदस्य संयोजक होने के कारण उस समिति का, इतना मुझे पता है कि पिछले सालों में, मैं बात कर रही हूँ 19-20 की, 110 हेक्टेयर हमने वहाँ पे ग्राम समाज की भूमि पे प्लांटेशन किया है। अपनी भूमि पे तो हम करते ही हैं, पर ग्राम समाज मतलब गांव के लोगों में शहर के लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि जागरूकता है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उन्होंने खुशी खुशी ग्राम समाज की भूमि, जो ज़्यादातर मोस्टली कृषि के लिए चले जाती थी, मतलब पट्टे, लोग पट्टे लेकर के उसमें किसानी करने लगते थे या अवैध तरीके से भी किसानी करने लगते थे, तो कुछ लोगों ने तो स्वयं आकर के बोला कि नहीं नहीं कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं पुलिस प्रशासन और पुलिस का सहयोग लेकर के अतिक्रमण हटाए गए। तो वहाँ पे हमने 110 हेक्टेयर किया, इस साल हम फिर कर रहे हैं। ये मैं बात कर रही हूँ गंगा नदी से 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में। तो कोशिशें अगर हम करते रहेंगे तो कोशिशें कामयाब ज़रूर होंगी। कोरोना काल देखिए, बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो हम ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हर साल या आने वाले समय में या पिछले जो समय गुजरा है हमारा बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी था, बट नेचर उसमें बिल्कुल रिजुविनेट हो गया। आदमी जब अपने घरों में बंद हो गया तो प्रकृति अपने असली स्वरूप में आ गई। इतना उस टाइम अगर आप गाज़ियाबाद में कहीं पर भी अमलताश के, गुलमोहर के पेड़ होंगे, इतना खूबसूरत मतलब सीन था, अगर कोई घर से बाहर निकल पाता। हम लोगों को अपने प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति करनी थी, इसलिए हम तो थे मतलब अपना काम कर ही रहे थे, रोड्स पे भी जाते थे, सब कुछ देख रहे थे, बट उस समय का नज़ारा और आज के नज़ारे में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, आप देखिए आज की स्थिति वही है। AQI की बात करते हैं, सब लोगों को पता है AQI क्या होता है, पेपर में पढ़ते रहते हैं, जैसा आता है वैसा समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा, गूगल देख लिया, कर लिया, जो भी हुआ। पर यह है कि मेन चीज़ जो है, हमको ये समझना है कि हमको अपनी प्रकृति, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी प्रकृति है, हमको पहले उसको समझना चाहिए। जितने हम सरल होंगे, जितने हम सिंपल होंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप ही लिमिट्स में आती चले जाएंगी। जो हम बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड लिमिट, वो अपने आप ही थ्रेशोल्ड लिमिट में आ जाएंगी। जब हम अपनी प्रकृति से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या बहुत बढ़ चढ़ के ऐसे ही काम करने की कोशिश करते हैं जिससे दूसरे का अहित हो रहा है या हमारा स्वयं का अहित हो रहा है, तो फिर प्रकृति भी चेंज हो जाती है, हमारी प्रकृति भी और बाहर की प्रकृति भी। तो कोशिश ये करिए, और मतलब मैं स्वयं कोशिश करती हूँ, बोला तो बहुत कुछ संचालिका जो मैडम है, परंतु मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने सिंपल तरीके से चीज़ों को कर लिया जाए, जितने सिंपल तरीके से सामने वाले को समझा लिया जाए, जितने सिंपल तरीके से उसे अपने साथ ले लिया जाए उसका हृदय परिवर्तन करके, तो उतना अच्छा रहेगा। रादर देन हम किसी से बिल्कुल लड़ाई झगड़े के मोड में आ जाएं और ऐसा मूवमेंट बनाने की कोशिश करें जिसमें धारा 144 लगाने की आवश्यकता पड़े। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग इतने विद्वान हैं कि आप लोग अपना समय देकर, संडे का दिन है आज और आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और सुन रहे हैं इतने सारे विद्वान जो वक्ता हैं यहाँ पे, तो आप सब लोगों से यही निवेदन रहेगा, गाज़ियाबाद आपका है। ये बिल्कुल सही कहा कि अधिकारी आते हैं जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अधिकारी ये नहीं चाहते कि कुछ अच्छा करके जाएं कहीं से। सहयोग की हम सब लोगों को, आप लोगों से निवेदन रहता है, कोशिश रहती है कि जनता सहयोग करेगी तो हम और अच्छा काम करें। अच्छा काम करना किसी को बुरा नहीं लगता, ये चीज़ आप मतलब मैं अपने तरफ से आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ कि हर अधिकारी को अच्छे काम करने का बहुत मन होता है, और आप ही लोगों के लिए करना है। हम यहाँ कुछ साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर आप लोग यहाँ रहेंगे, ये आपकी सिटी है, ये आपको आपको ही संवारना है, आप ही इसे संवार सकते हैं, आप ही इसका नाश कर सकते हैं। तो फिर आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से अच्छा इसी तरीके के कुछ मंथन करते रहें, कुछ सोचते रहें, जो इस मंथन से निकले उन सारी चीज़ों को हम आत्मसात करें। मुझसे हो पाएगा जितना, मैं उतना कोशिश करूँगी, जितना आप लोगों से हो सकता है आप लोग स्वयं से कोशिश करें। एक एक इंसान अगर कोशिश करेगा तो वो कोशिश कहीं ना कहीं रंग लेके आएगी। आप सब लोगों का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, आपके पेशेंस के लिए नमस्कार। अद्भुत, वाकई लाजवाब, मतलब एक एक बात जो थी ना वो अनुभव से निकली हुई बात थी, जो उन्होंने वास्तव में देखा है वो जस का तस आपके सामने रखा है, जिसमें कहीं कोई खाम ख्याल नहीं है और कोई सिर्फ कहने के लिए कहना नहीं, अनुभूत की हुई बातें सारी, और जो दिन रात वो देख रही, और क्या कमाल का मूल मंत्र दिया है कि अगर हम अपनी प्रकृति में रहेंगे जैसे हम हैं, तब तक हम घर में भी सही हैं, रिश्तों में भी सही हैं, ज़िंदगी में भी सही हैं, और जैसे ही हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, प्रकृति व्यवहार भी होती है, और प्रकृति जो है ये प्रकृति जो है
जो भी कार्य हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध करते हैं, चाहे इस प्रकृति के या अपनी प्रकृति के, वो विनाशक होता है। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही बढ़िया बातें आपने कही। और वाकई दायित्व है हम सभी का, हम कहाँ अपना दायित्व निभाते हैं। कूड़ा तक डालने की तो व्यवस्था हम देखते नहीं और बातें करते, बस मेरा घर साफ रहे और मेरे बाहर का इतना एरिया साफ रहे, बाकी किसी के घर जा रहा है इधर उधर फेंक रहे हैं, सब चलता है। हम तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा जो है बदलाव कर सकती हैं। हम सबको वो सीखना होगा। बहुत ही खूबसूरत बातें मैम आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।